पुलिस कंट्रोल रूम में मामले का खुलासा करते हुए एसपी रोहित कासवानी ने बताया, थाना देहात में सूचना प्राप्त हुई कि थाना देहात में कारी रोड पर आलमपुर गांव के पास तलैया में एक छोटी बच्ची का शव पड़ा हुआ है। उक्त सूचना पर तत्काल देहात थाना पुलिस के द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर शव निकाला। शव की पहचान आभ्या कुशवाहा आलमपुरा गांव देहात का होना पाया गया। शव के सर में चोटें होना पाए जाने के बाद तत्काल थाना देहात में अपराध क्रमांक 242 और 24 धारा 302 201 कायम की गई। उक्त घटना को पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ रोहित कासवानी द्वारा गंभीरता से लेते हुए उक्त अज्ञात हत्या आरोपी का खुलासा कर गिरफ्तार करने हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ राहुल कटरे के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी देहात निरीक्षक रवि गुप्ता व थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक आनंद राज के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही वरिष्ठ अधिकारियों ने मार्गदर्शन में गठित पुलिस टीम AFSL टीम साइबर टीम द्वारा कड़ी मेहनत एवं लगन के कार्य करते हुए अज्ञात आरोपी का खुलासा कर आरोपी अभिषेक कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया गया। दिनांक 26 तारीख को एक नाबालिग व्यक्ति का हमें शव मिला था थाना देहात के ग्राम आलमपुरा। पुलिस ने तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया, धारा 302 में मेडिकल कराया। बालिका के सर पर चोट भी थी और पुलिस ने अपनी पूछताछ शुरू की। पुलिस की पूछताछ में सभी गांव वालों से पूछताछ हुई तो कुछ लोग जो वहाँ उपस्थित नहीं थे घटना टाइम के बाद के लोगों का पता लगाया पूछताछ, तो उसमें एक नाम आया अभिषेक कुशवाहा 18 वर्ष का। तो यह अभिषेक कुशवाहा के बारे में जब पता किया तो इसको पता चला कि यह ऑनलाइन जुआ खेलता था और इसको पैसे की सख्त जरूरत थी। और जब इस आरोपी से पूछताछ की तो इसमें सामने आया कि ये काफी पैसे जुए में हार चुका था। उसको पता था कि बालिका के जो माता पिता हैं उसने अभी कुछ समय पहले ही जमीन बेची, तो इसका प्लान ये था कि बच्ची को मार के फेंक देता और उसके बाद किसी फेक आईडी से फोन करके इनसे पैसे मांगता। पर यह पैसे मांगने की घटना को अंजाम देता, उससे पूर्व पुलिस ने उसको पकड़ लिया, पता लगा लिया और उसको गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने पहले संदेह के आधार पर सभी से पूछताछ की थी गांव में जो जो लोग संदेह के लिए, उसके बाद फिर ये लोग पकड़ा गया। इसने अपने बातों में ये चीज कबूल की। इसका ये पता चला है कि ये क्राइम पेट्रोल वगैरह काफी देखता है तो इस तरह के आईडी इसके वहां है। धारा 302-201 26 तारीख को एक घटना हुई थी जिसमें एक बालिका का शव मिला था 5 वर्ष बालिका की, तो उस घटना का आज खुलासा किया जा रहा है। इसमें दिनांक 26 को हमें एक 5 वर्ष बालिका का पारण तालाब के पास एक शव मिला। उसके घर वालों ने बताया कि बालिका सुबह से गायब थी। फिर इसमें हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो सारे गाँव में पूछताछ की, सारे CCTV देखे गए और आसपास के इलाके में पूछताछ करी, तो उसके बाद एक विशेष इसमें टीम की गई क्योंकि प्रकरण की सेंसिटिविटी बहुत अधिक थी। 5 वर्ष प्रकरण था, इसमें SDO के साथ के नेतृत्व में और एडिशनल SP साहब के मार्गदर्शन में टीम बनी थी। कोतवाली आरएस साहब की टीम लगी है, साथ में सब इंस्पेक्टर रविदास, हमारी साइबर टीम के सब इंस्पेक्टर मैं, थाना प्रभारी बड़ा नौ, थाना प्रभारी बुढ़ेरा, सभी लोगों ने इसमें पूछताछ शुरू की। और इसमें फिर एक व्यक्ति जो वहीं गांव का आया पास का अभिषेक कुशवाहा, तो इसका नाम सामने आया कि अभिषेक कुशवाहा को पैसे की जरूरत थी और उसको जब पूछताछ की गई तो पता चला कि अभिषेक कुशवाहा नामक व्यक्ति उसी गाँव में रहता है, उसको पैसे की बहुत जरूरत थी, जुआ में वो काफी पैसे हार गया था। और अभिषेक को यह पता था कि नंदिका के पिताजी ने अभी कुछ महीनों पहले जमीन बेची है तो उसके पास पैसा है, तो इसकी प्लानिंग ये थी कि वो बच्ची को मेला फुसला के उसने बाहर बुलाया और बच्ची को उसने मार के उसको तालाब में फेंक दिया। उसने सोचा कि बच्ची गायब रहेगी और उसके बाद ये फेक वेबसाइट और फेक कॉल करके उससे पैसे लेगा और उसके बाद ये गायब हो जाएगा।
इसमें ये अपनी घटना को अंजाम देता है, इसमें वेबसाइट वगैरह सर्च की ही थी और उसी दौरान पुलिस ने इसको पकड़ा और सारी ये घटना सामने आई। इसमें पूरी टीम का बहुत ही अच्छा हो रहा है और मुख्य कारण जो है कि वो है कि इसकी उन्होंने ट्रेडिंग के देता था और उसका पैसा अड़कने की वजह से इसने इनकार किया है और जो हमारा अपराध दर्ज हुआ है 300 लोगों का।